क्षण पर शुरू हुई हिंसा अचानक बगावत में बदल गई है। हालात यह हो गया है कि पूरा बांग्लादेश हिंसा की चपेट में है। प्रदर्शनकारी जेल तोड़ करके कैदियों को भगा रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आरक्षण के नाम पर सबसे बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। क्या बांग्लादेश आरक्षण की आग में जल रहा है या फिर बांग्लादेश में गृह युद्ध शुरू हो गया है? हम आपको बांग्लादेश की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें भड़कते, जलते और बर्बाद होते बांग्लादेश की हैं। पहली तस्वीर में आरक्षण के खिलाफ पूरा बांग्लादेश सड़क पर दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में आरक्षण का विरोध करने वाले वो छात्र और प्रदर्शनकारी हैं जिनकी पुलिस और सेना से खूनी झड़पें हो रही हैं। महज एक हफ्ते के अंदर आरक्षण खत्म करने को लेकर पूरा बांग्लादेश आग का गोला बन चुका है। सेना प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर सीधी गोली चला रही है। अब तक 105 प्रदर्शनकारी और छात्र सेना और पुलिस की गोलीबारी में मारे जा चुके हैं। भयंकर खून खराबे के बाद से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कर्फ्यू लगवा दिया है। आरक्षण के खिलाफ जनता का आक्रोश इतना प्रचंड है कि अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। शेख हसीना को तानाशाह कहा जा रहा है। शेख हसीना सरकार में भीषण भ्रष्टाचार, 56% आरक्षण कोटा ने पूरे बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। आरक्षण की आग, जल रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश में पिछले 7 दिनों से आरक्षण खत्म करने को लेकर जमकर विरोध हो रहे हैं और वो विरोध अब बेहद हिंसक हो चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसको रोकने के लिए सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया है। आरक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी और छात्रों की पुलिस से खूनी झड़पें हो रही हैं। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में 105 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। আমরা তো জানলাম যে শেষ করে এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলাম ক্যাম্পাস থেকে আমরা বের হয়ে যাবো না তা বিচার থেকে ককটেল বেরেছে সাউন্ড গ্রেনেড বেরেছে টিয়ার শেল মেরেছে এগুলার কারণ কি আপনারা মানে তারা প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করতে চায় তাহলে কিভাবে শান্তিপূর্ণ থাকবে আমাদেরকে মেরে তারপরে যে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে উই আর ওপেন টু কিল্ড আমাদের এখন মেরে ফেলবে আমরা ডিসকাশনের জন্য আমরা অলওয়েজ প্রস্তাব দিয়েছি এখন আমাদেরকে মেরে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जरा देखिए पिछले एक हफ्ते में आरक्षण की आग कैसे एक गृह युद्ध का रूप लेती जा रही है। बांग्लादेशी मीडिया और अस्पतालों से मिली जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते की खूनी झड़प में 105 लोग मारे गए हैं जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एसोसिएटेड प्रेस रिपोर्टर ने ढाका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 23 शव देखे हैं जबकि कई अस्पतालों में शव भरे पड़े हैं। पुलिस और सेना के जवान प्रदर्शनकारियों पर जमकर गोलीबारी कर रहे हैं। बांग्लादेश के 8 राज्यों में कर्फ्यू लग चुका है जबकि बांग्लादेश के सभी 64 जिले हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। छात्रों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दे दिया गया है। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी छात्रों ने 19 जुलाई को नरसिंगड़ी जिले में एक जेल पर धावा बोल दिया और वहां से सैकड़ों कैदियों को जेल से छुड़वा लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जेल में जबरदस्त आग लगा दी। इससे पहले 18 जुलाई को सैकड़ों प्रदर्शनकारी BTV ऑफिस के कैंपस में घुस गए, 60 से ज्यादा गाड़ियां फूंक डाली। बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर इतना हिंसक प्रदर्शन क्यों हो रहा है जरा इसे भी जान लीजिए। आरक्षण खत्म करने को लेकर जो प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं वो ऐसी मांग कर रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री शेख हसीना जरा भी मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ने वाले लोगों को वॉर हीरो कहा जाता है। बांग्लादेश में 30% नौकरियां इन वॉर हीरो के बच्चों के लिए रिजर्व है। इसी रिजर्वेशन के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। छात्रों की मांग है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जानी चाहिए। किसी के पूर्वज वॉर हीरो थे इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चों को भी इसका लाभ मिले। সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিকীকরণ করা হচ্ছে যেখানে প্রথম থেকেই আমরা বলছি যে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থী আমরা চাচ্ছি যে
একটা দেশে কিভাবে, এটা তো একটা ন্যূনতম কমন সেন্সের ব্যাপার যে একটা দেশের 100% এর মধ্যে 56% কখনো কোটা থাকতে পারে না, কখনো থাকতে পারে না। কোন সুস্থ একটা দেশে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় কখনো 56% কোটা এটা মেনে নেয়। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हिंसा जारी है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ओबैदुल कादर ने 19 जुलाई को देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की ताकि हिंसा पर काबू पाया जा सके। हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। अब जरा प्रदर्शन करने वाले छात्रों की मांगे भी जान लीजिए। आरक्षण 56% से घटाकर इसे 10% किया जाए। अगर कोई आरक्षित सीटों से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो भर्ती मेरिट लिस्ट से की जाए। सभी के लिए एक समान परीक्षा हो, सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र समान हो, कोई भी उम्मीदवार एक बार से ज्यादा बार आरक्षण का इस्तेमाल ना करे। যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার্থীদের দাবিটা অবশ্যই যৌক্তিক, সেটার পক্ষে আমরা সবাই ছিলাম, কিন্তু তাদের এই আবেগকে কেউ কেউ তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যাতে তারা তাদের আবেগকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না দেয় সে ব্যাপারে তারা যাতে সতর্ক থাকে। এবং একই সাথে আমরা ছাত্রলীগ আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে ছিলাম, এখনো শিক্ষার্থীদের পক্ষে আছি। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा खेद जताया और कहा कि इस मामले में एक न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। असल में 1971 के मुक्ति युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। इससे एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं होने दिया। हसीना सरकार का कहना है कि ये फैसला उनके हाथों में है। वहीं पीएम शेख हसीना ने कहा कि इन छात्रों को भड़काया गया है, इसके लिए उन्होंने कुछ स्वार्थी तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने छात्रों से भी अपील की है कि वो उपद्रवियों को स्थिति का फायदा ना उठाने दें। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ आक्रोश है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है, इसी के खिलाफ पूरे देश में बवाल मचा है। साथ ही बांग्लादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जनवरी 24 में हुए आम चुनाव के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर प्रदर्शन इस साल जनवरी में हुए आम चुनाव के बाद हुआ है। जब बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इन प्रदर्शनों में 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले लोगों के बच्चे भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि हसीना सरकार ने उन लोगों को आरक्षण दिया है जिनकी आमदनी ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिन्हें हसीना का वोटर्स माना जाता है। सरकार का कहना है कि विकलांग लोगों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरी में 30% आरक्षण दिया गया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस आरक्षण को खत्म करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आरक्षण बांग्लादेश में किससे और कितना फायदा पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2018 में नए आरक्षण नियम लागू किए थे। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, अल्पसंख्यकों के लिए 5% और 1% विकलांगों को आरक्षण दिया गया था। इस लिहाज से सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है। इसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। साधारण शिक्षार्थी को गाय क्यों इधर मारा होगे, क्यों टीचर से मारा होगे, क्यों इंस्पेक्टर मारा होगे, छात्र लीगर पुलापंदर पुलिस उसको दिए बोलते से तुम आगाओ, तुम्हारा साधारण शिक्षार्थी ऊपर हमला करो, কেন পুলিশ কেন বলবে, পুলিশ হল সাধারণ জনগণের বন্ধু, পুলিশ ছাত্রদের বন্ধু, কিন্তু আজকে কেন পুলিশ আমাদের বিপক্ষে? আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই, আমরা কোটার যৌক্তিক সংস্কার চাইছিলাম, আমরা আর কিছু চাই নাই। আমি টাকা পাসি পড়া করতেছি, পড়া করার পর 6 বছর পর যদি আমার কোনো জব না হয়, এই যে আমার পরিবারের ভোগান্তি, আমার ভোগান্তি সরকার নিবে, এটা কি দেশ নিবে? আরবপতি নৌকা কটঘরে মে পিএম শেখ হাসিনা। ये आज का बांग्लादेश है जहां भयंकर बवाल मचा हुआ है। पहली तस्वीर में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री शेख हसीना का वो अरबपति नौकर है जो हेलीकॉप्टर से घूमता है। पीएम शेख हसीना का नौकर जहांगीर आलम अरबों रुपए प्रधानमंत्री शेख हसीना की आड़ में कमा चुका है। हम आपको इन दो तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक तरफ बांग्लादेश में
आरक्षण की आग में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहां दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के बवाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की आग, दूसरी तरफ पीएम का अरबपति नौकर, बांग्लादेश में कोहराम मचाए हुए हैं। बांग्लादेश की पीएम हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम शेख हसीना के घर में काम करने वाला नौकर जहांगीर आलम अरबपति बन गया है और अब अमेरिका भाग गया है। इस खबर ने पूरे बांग्लादेश में कोहराम मचा दिया है कि आखिर कैसे पीएम को पानी पिलाने वाला नौकर अरबों रुपए कमा रहा था और पीएम शेख हसीना के अधिकारियों और ऑफिस को भनक तक नहीं लगी। जरा देखिए, मेहमानों को पानी पिलाने वाला नौकर जहांगीर आलम कितने रुपए कमा चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के नौकर के पास 284 करोड़ की संपत्ति है। उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करता है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस नौकर का नाम जहांगीर आलम है और वो पीएम हसीना के घर पर मेहमानों को पानी देने का काम करता था। जहांगीर ने पीएम शेख हसीना के ऑफिस और घर पर काम करने का जिक्र करते हुए कई लोगों से रिश्वत ली थी। वो लोगों से उनका काम करवाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। मामला सामने आने के बाद पीएम हसीना ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जहांगीर पहले से ही अमेरिका भाग चुका है। दरअसल बांग्लादेश में पूर्व आर्मी चीफ, पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी और कई सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आए हैं। इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री के नौकर का भी नाम है। पीएम शेख हसीना ने नौकर पर बयान दिया है। पीएम हसीना ने कहा, मेरे घर पर काम करने वाला एक व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। उसने इतने पैसे कहां से कमा लिए? एक आम बांग्लादेशी को इतनी संपत्ति इकट्ठा करने में 13,000 साल लग सकते हैं। सरकार इन मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 2.11 लाख रुपए है। वहीं शेख हसीना के नौकर के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात सामने आने के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है। बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी का आरोप है कि जब हसीना के नौकर के पास इतना पैसा है तो उसके मालिक के पास कितना होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कुल मिलाकर इस वक्त बांग्लादेश में आरक्षण खत्म करने को लेकर जहां भयंकर खूनी कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पीएम के अरबपति नौकर के भ्रष्टाचार पूरे बांग्लादेश में बवाल मचा दिया है।